एक बड़ा अभियान हम शुरू कर रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं, हमारे जो कोस्टल इलाके हैं, वहां के करीब 173 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी न किसी देश की सीमा या समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में एनसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम समझेंगे कि आखिर एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी स्कीम क्या है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने 15 अगस्त के एड्रेस में जिक्र किया। हम जानेंगे कैसे कोस्टल और बॉर्डर एरियाज की यूथ को इस स्कीम से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और फ्यूचर में उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए उनको ये स्कीम क्या क्या हेल्प करेगी। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि पीएम ने लाल किले से अपने 74th इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस में एनसीसी को एक्सपेंशन करने की एक बात का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 1,00,000 एनसीसी कैडेट्स को बॉर्डर और कोस्टल एरिया में ट्रेन किया जाएगा। इसी के अंतर्गत उसके अगले ही दिन यानी कि 16 अगस्त 2020 को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 173 यानी कि 173 बॉर्डर और कोस्टल के डिस्ट्रिक्ट्स में एनसीसी को एक्सपेंशन करने के उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है, और जिसके तहत लगभग 1,00,000 एनसीसी कैडेट्स को बॉर्डर और कोस्टल एरियाज में ट्रेंड किया जाएगा। इस एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी स्कीम के बारे में आपको विस्तार से बताने से पहले हम आपको ब्रीफ में एनसीसी के बारे में बताते हैं। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर्प्स, यह है इंडियन आर्म फोर्सेज की एक यूथ विंग है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में नेशनल कैडेट कोर्प्स एक्ट 1948 के तहत किया गया। अंडर द एनसीसी इंडिया की स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में यूथ्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यानी कि परेड्स, स्मॉल आर्म ट्रेनिंग, नेचुरल डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है। और आज के समय में एनसीसी एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने अलग अलग विंग्स में अलग अलग कैडेट्स को ट्रेन करती हैं। एनसीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और अगर बात की जाए एनसीसी के मोटो की, यह है यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी कि एकता और अनुशासन। आज के समय पर एनसीसी में एक्टिव 13-15 लाख कैडेट्स है, जो एनसीसी के तहत इसके नेवल विंग, एयर विंग और आर्मी के अंडर में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। यह आप एनसीसी का लोगो देख सकते हैं। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए क्वेश्चन है, एनसीसी को कौन हेड करता है और आज के समय में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं एनसीसी के एक्सपेंशन की स्कीम के बारे में। बॉर्डर और कोस्टल एरियाज में एनसीसी के एक्सपेंशन की स्कीम के तहत 1000 यानी कि 1000 स्कूल और कॉलेजेस को आइडेंटिफाइड किया गया है, जिसमें एनसीसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसी एनसीसी एक्सपेंशन प्लान के तहत 83 एनसीसी यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें 53 आर्मी यूनिट्स, 20 नेवल यूनिट्स और 10 एयरफोर्स की यूनिट्स होंगी, जो अलग अलग एनसीसी कैडेट्स को अपनी अलग अलग एयर विंग, नेवल विंग और आर्मी के तहत बॉर्डर और कोस्टल एरियाज में ट्रेन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इस स्कीम का पॉइंट यह है कि इसमें 33% गर्ल्स कैडेट्स होंगे, यानी कि जेंडर इक्वलिटी को इसमें ध्यान में रखा गया है, जिसके तहत 33% 1,00,000 एनसीसी कैडेट्स में से अप्रोक्स 33,000 गर्ल्स को भी ट्रेंड किया जाएगा। और इस स्कीम को स्टेट के साथ पार्टनरशिप में इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम के पूरे इंप्लीमेंटेशन में सेंटर की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यूनिट्स को हेल्प करेगी। उसके बाद देखते हैं इस पूरी स्कीम से, एनसीसी के एक्सपेंशन की स्कीम से बॉर्डर और कोस्टल एरियाज में और वहाँ की यूथ्स को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। एनसीसी की ट्रेंड मैन पावर किसी भी स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी कि नेचुरल क्लाइमिटी, इंडियन आर्म फोर्सेज को हेल्प करेगी, और बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हमें एक ट्रेंड मैन पावर मिलेगी जो किसी भी इमरजेंसी के समय में हेल्प कर सकती है। इसके साथ साथ बॉर्डर और कोस्टल एरियाज की यूथ को इंडियन आर्म फोर्सेज में अपने कैरियर बनाने के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके तहत
उन्हें डिफेंस फोर्सेज के कल्चरल, डिफेंस फोर्सेज के ट्रेनिंग पैटर्न, डिफेंस फोर्सेज की एक्टिविटी और उसके इन्वायरमेंट का रियल टाइम एक्सपोजर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें NCC सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ग्रुप में भी काम करती हैं। 1965 और 1971 के बारे में NCC के कैडेट्स ने हमारे फॉरवर्ड ट्रूप्स को आर्म एम्यूनिशन पहुँचाने में बहुत हेल्प की थी। और अंत में अगर हम बात करें तो इस NCC एक्सपेंशन स्कीम के तहत यूथ को एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज जैसे कि सोशल सर्विस एक्टिविटीज, डिसिप्लिन और एडवेंचर ट्रेनिंग में अपने रियल टाइम एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाएगा, जो उन्हें फ्यूचर में और इंडियन आर्म फोर्सेज में अपनी ट्रेनिंग और अपने फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी UPSC, PCS और SSC प्रिस्पेक्टिव से किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और किसी भी करंट अफेयर टॉपिक की फुल डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।